हेलो स्टूडेंट्स, एट्थ क्लास की हिंदी का अपना पांच चैप्टर कंप्लीट हो गए और अपना ये है छठा पाठ भगवान के डाके, और इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। भगवान के डाके के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। देखो, पक्षी और बादल, ये भगवान के डाके हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांसते हैं। देखो, इसमें रामधारी सिंह दिनकर ने भगवान के डाके के बारे में पक्षी और बादलों के लिए बताया गया है कि जो ये पक्षी हैं और ये बादल हैं, ये ईश्वर के डाके होते हैं, इनकी भाषा हम नहीं समझ पाते हैं, और जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, जो एक देश से यानी कि बड़े देश से संसार से दूसरे संसार में जाते हैं, तो हम तो इनको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ये इनके द्वारा जो संदेश लाया जाता है वो पेड़ पौधे पानी पहाड़ ये सभी बांसते हैं, ये सभी समझ जाते हैं। देखो इसमें जैसे दे रहे, कवि कहता है कि पक्षी और बादल ईश्वर के डाके हैं जो सामान्य डाके की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं, परंतु वह संदेश हमारे किसी प्रिय का नहीं अपितु ईश्वर का संदेश है। ये डाके एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश तक, यानी कि महादेश आ गया ना, तो विशाल बड़ा देश अर्थात संपूर्ण संसार में ईश्वर का संदेश लेकर आ जाते हैं, जिसको हम मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। वे सभी जगह प्रेम सद्भाव एकता और समानता का संदेश फैलाते हैं, जिसे पेड़ पौधे नदियां और पर्वत आसानी से पढ़ लेते हैं और उसी के अनुरूप कार्य भी करते हैं। ये इसमें बताया गया है भगवान के डाके में। एक कड़ी और पढ़ लेते हैं। देखो, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी भरकर गिरता है। जैसे बादल होते हैं, अब ये बरसात का मौसम चल रहा है स्टूडेंट, तो इसमें दूर दूर से बादल समुद्रों से बनते हैं, दूर दूर देशों से आते हैं बादल, और पक्षियां भी आते हैं इस मौसम में, तो उससे बरसात होती है, तो वो भगवान का संदेश हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे इसमें बताया गया है कि बादल हैं जो पक्षी हैं, ये भगवान के संदेश हैं, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। तो ये इसमें हमें लेखक बता रहा है रामधारी सिंह दिनकर। तो वो कह रहा है कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि यह एक देश की धरती है। वो कह रहा है कि पक्षियां और बादल द्वारा लाए गए संदेश हम जो मनुष्य हैं केवल अपने हिसाब से ही समझते हैं, कि फूलों की महक हवा, जो फूलों की महक हवा है और पक्षी के पंखों के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, और स्थान का जल भाप बनकर दूसरे देश में बरसता है, बरसात के रूप में बरस जाता है, किंतु यह नहीं समझ पाते कि प्रकृति के डाके किसी सीमा में बंद कर अपना संदेश नहीं देते हैं। भाप बनता है और बरसता है, तो ये प्रकृति के हैं, तो ये डाके किसी सीमा में बंद कर अपना संदेश नहीं देते हैं, अपितु समान भाव से सभी को अपने संदेश पहुँचाते हैं। इनके भीतर अपने पराये की भावना नहीं होती है। अपना बात समझना मनुष्य के हित में है, ये बात समझना मनुष्य के हित में है। स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर है छोटा सा भगवान के डाके। इसमें दो ही कड़ी दी गई है, बादल के बारे में ही बताया गया है, पक्षियों के बारे में, क्योंकि ये भेदभाव नहीं करते हैं, अपना पराय नहीं करते हैं, सभी जगह समान रूप से ऐसे आते हैं जाते हैं, मन करता है वहाँ बरस जाते हैं और भाप बन के आते हैं, एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, इनकी हवा चलती है तो फूलों की खुशबू एक देश से दूसरी जगह जाती है, पक्षी वगैरह इनके पंखों के सहारे से एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, और भाप बन के जो है बरसात के रूप में ये बरस जाता है, तो ये प्रकृति है, ये ईश्वर के भेजे हुए डाके होते हैं, इसके बारे में हमें बताया गया है। और अपना ये इतना ही चैप्टर है, ये ख़त्म हो गया है।
अब इसके आपको क्वेश्चन आंसर लर्न और राइट करना है। ओके स्टूडेंट।